हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद क्रिएटिव आइडियाज। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है हमारा मैरीगोल्ड, यूनिट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, फर्स्ट डे टू स्कूल पोयम एक्सरसाइज ऑफ क्लास सेकेंड बुक एनसीईआरटी। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोयम थिंक अबाउट हिज ड्रॉइंग, यानी कि बच्चे ने अपनी ड्राइंग के बारे में कविता में क्या सोचा है। आंसर, ही थिंक्स वेदर हिज ड्राइंग विल बी एज गुड एज हिज क्लासमेट। उसने ये सोचा है कि क्या उसकी ड्राइंग उसकी क्लासमेट जैसी ही अच्छी होगी। क्वेश्चन टू, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर। तो बच्चा है उसने अपनी टीचर के बारे में क्या सोच रखी है, क्या विचार रखा है। Answer, the child wonders whether his teacher would look like his mother or grandmother. बच्चा ने ये ख्याल रखा है, ये विचार रखे हैं कि क्या जो उसकी टीचर होगी वो उसकी मम्मा की तरह दिखेंगी या grandmother की तरह दिखेंगी। Question third, do you think the child would like to carry his puppy to school? क्या आपको लगता है कि जो बच्चा होगा उसे अपने पपी को स्कूल लेके जाने का उसने सोचा होगा। Answer, yes, हाँ, the child will like to carry his puppy to school, but he did not do so. हाँ, बच्चे ने चाहा होगा, because school में first day जब होता है हमारा, तो हमारे pet animals या फिर हमारे family members ही हो सकते हैं जिसको हम अपने पास चाहेंगे, है ना। लेकिन वो तो possible होता ही नहीं, हमें अकेले जाना होता है, अकेले जाना होता है ना। तो चलिए बैठते हम अपने अगले प्रश्न की question की तरफ। Let's talk, आपको क्या करना है इसमें, talk करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है योर फर्स्ट डे एट स्कूल, हाउ डिड यू फील, आपको अपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में कैसा फील हुआ था। क्या आपको याद है कि जब आप पहले दिन पे थे तो आपको कैसा फील हुआ था। बच्चों एज वेरी ऑनेस्ट, मैं जब अपने गई थी तो मैंने काफ़ी बच्चों को तो पहले मॉर्निंग टाइम पे तो हंसते खेलते हुए देखा था, हर किसी से बात करते हुए देखा था, बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट क्राइंग। बट लिटरली आई एम वेरी हैप्पी ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल। मैं अपने फर्स्ट डे पे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी, बिकॉज मेरे को स्कूल जाना काफ़ी अच्छा लगता था। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी ऑन फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका जब फर्स्ट डे था, इफ़ यू रिमेंबर, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपका फर्स्ट डे तो था स्कूल में वो कैसा गया था, एंग्री, शाय, हैप्पी और सैड। क्वेश्चन टू है, व्हेन यू एंटर योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक, जब आप अपनी क्लास में एंटर किए थे तो आपको क्या पसंद आया था। आंसर, व्हेन आई एंटर माय क्लास, जैसे ही मैंने अपनी क्लास में एंटर किया था, आई लाइक दैट एवरीवन वाज टॉकिंग टू ईच अदर, हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा था। आवर टीचर मेक अस ऑल फील कंफर्टेबल, और हमारी टीचर हम सबको कंफर्टेबल फील करा रही थी। जो हमारी टीचर थी ना, वो हम सबको कंफर्टेबल फील कराने में लगी हुई थी, क्योंकि फर्स्ट डे था, हम सब छोटे छोटे थे, तो हमारी जो टीचर थी वो बिल्कुल हमको कंफर्टेबल फील कराने में लगी हुई थी। क्वेश्चन थर्ड, हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड, आपका पहला दोस्त कौन था। वैसे मैं काफ़ी छोटी थी, बट याद है मुझे उसका नाम। माय फर्स्ट फ्रेंड इन द क्लास वाज राखी, राखी नाम की एक लड़की थी जिसको मैंने अपना फर्स्ट फ्रेंड बनाया था। क्वेश्चन फोर, What did you enjoy the most? आपने सबसे ज़्यादा क्या enjoy किया? Answer, I enjoyed drawing in the class lecture the most. I enjoyed drawing in the drawing lecture the most. मैंने मतलब अपनी drawing lecture के time पे अपने drawing को काफ़ी ज़्यादा enjoy किया था। वैसे मेरी drawing बिल्कुल अच्छी नहीं थी, but फिर भी काफ़ी अच्छे लगते थे, मतलब बचपन में से, मतलब कलर वगैरह से अपने आप को भी एकदम हाथ पाथ पूरा वो कर लेना, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता था मेरे को। क्वेश्चन फाइव है, डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेटिंग फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल, क्या आपके पास कोई पेट है जो कि आपके लिए वेट करता हो। तो बच्चे आपको जो लेट्स टॉक वाला है ना, वो आपके खुद के हिसाब से करना है। तो मैंने यहाँ पे अपनी फीलिंग शेयर की है, आपको यहाँ अपनी फीलिंग शेयर करनी है कि आप कैसा फील करते थे, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो लेट्स टॉक पूरा आपके पर्सनल के ऊपर है, तो यहाँ पर मैंने अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर की है और यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करनी है। तो क्वेश्चन फाइव है यहाँ पे, कि आपके पास कोई पेट है। मेरे पास सब बच्चों दो पेट है, आई हैव अ बिच एंड आई ऑल्सो हैव अ रैबिट।
तो मैंने यहाँ पे अपनी रैबिट बिच के बारे में लिखा है कि यस आई हैव अ पप एट माय होम, है मेरे पास, जिसका नाम ब्राउनी है, शी इज वेटिंग फॉर मी टू कम बैक फ्रॉम स्कूल. ओके, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हाउ मेनी यू हैव पेट, और आपको अगर नहीं है, अगर आप लोगों के पास पेट नहीं है तो क्या अपने पास कभी कोई पेट रखना चाहेंगे, यस और नो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए. तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपको लेट्स राइट में क्या करना है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर फ्रॉम दीज वर्ड इन पिक्चर. आपको यहाँ पे एक हिप्पोपोटामस का पिक्चर दिख रहा है और उसमें लिखा हुआ है हिप्पोपोटामस, तब आपको ये बताना है कि आप इसमें से कितने वर्ड्स बना सकते हैं. तो पहला वर्ड हम बना सकते हैं पॉट, यहाँ पे दिख रहा है हमको POT, पॉट बन गया. सेकेंड वर्ड है पैट, PAT, यहाँ से पी ले लिया, देयर इज ए एन एस टी, पेट. देन पिट, यहाँ पे एक पी है, देयर इज आई एन एस टी, पेट. देन हॉट, एच, हेयर इज ओ एन एस टी, हॉट. देन टैप, हेयर इज टी, हेयर इज ए एन एस पी, टैप. सेट, हेयर इज एस, हेयर इज ए एन एस टी, सेट. नाउ मैप, हेयर इज एम ए एंड देन पी, मैप. टॉप, हेयर इज टी, हेयर इज ओ एन एस पी, टॉप. तो बच्चों ये मेरे वर्ड्स मैंने निकाल दिए हैं, आप भी मेरे को एटलीस्ट टू वर्ड्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और दो वर्ड्स हम क्या बना सकते हैं. Let's move our next question. Question 2. Circle what you can carry in your school bag. आप अपने school bag में क्या क्या carry कर सकते हो. Now write their names in the box below. आपको उनका नाम भी लिखना है. तो हम क्या carry कर सकते हैं ruler? Sharpener. Pen. Eraser. Water bottle. अपने specs. टिफिन बॉक्स, पेंसिल, नॉट टॉयज एंड बुक्स. आइसक्रीम कॉन, टॉयज एंड पेडल्स को छोड़ के हम बाकी सब चीज़ें कैरी कर सकते हैं. तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी हुआ फिनिश. तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको लेट्स टू में क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग. यहाँ पे आपको अलग अलग पिक्चर दिख रही, तो आपको ये बताना है कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं. आपको यहाँ पे रखना है, जैसे फर्स्ट है डैश ब्रेकफास्ट, तो व्हाट eating breakfast. dash in a bicycle, तो क्या करते हैं, राइड करते हैं, तो राइडिंग इन अ बाईसाइकिल. डैश टू स्कूल, जा रहा है बच्चा, मेरे को जाते समय हम बड़े आराम से जाते हैं, तो गोइंग टू स्कूल. डैश विथ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, फूड शेयर हो रहा है, तो शेयरिंग विथ फ्रेंड्स. देन स्टडी हो रही है, स्टडी इन क्लास, एंड देन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. बच्चों इसी के साथ हमारे क्वेश्चन भी हुआ फिनिश एंड आवर वीडियो भी इज फिनिश. प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक माय वीडियो एंड इफ यू हैव नॉट, यू कैन आस्क इन माय कमेंट सेक्शन. थैंक यू.